प्रो कबड्डी लीग का ऑक्शन जैसे जैसे पास आ रहा है, सभी 12 टीमें अपनी अपनी स्क्वाड को मजबूत करने में लगी हुई हैं। इसी सिलसिले में कुछ टीम्स ने अपने न्यू यंग प्लेयर्स की लिस्ट भी जारी की है। पर ये न्यू यंग प्लेयर्स आखिर हैं क्या, आपको बताते हैं इस वीडियो में। स्वागत है आपका कबड्डी अड्डा पर। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रो कबड्डी लीग में सभी खिलाड़ियों के पास मौका होता है कि वो अपने आप को इस बड़े मंच पर अच्छा प्रदर्शन करके खुद के लिए नाम बना सकें। और ऐसे में यंग प्लेयर्स जिनकी उम्र 18 से 22 साल की होती है और जिन्होंने आज तक कभी प्रो कबड्डी में हिस्सा नहीं लिया होता या फिर आज तक कभी इंडियन कबड्डी में डेब्यू ना किया हो, उनके लिए अलग से कैटेगरी बनाई जाती है जिसे न्यू यंग प्लेयर्स कैटेगरी कहा जाता है। अब सवाल यह आता है कि खिलाड़ियों की खोज कहां से की जाती है, तो आपको बता दें मशाल स्पोर्ट्स की तरफ से कई प्रोग्राम चलाए जाते हैं जैसे कि फ्यूचर कबड्डी हीरोज। इस प्रोग्राम के जरिए अलग अलग टीम्स के कोच दुनिया भर के युवा खिलाड़ियों और उनके खेल पर नजर रखते हैं और जिस खिलाड़ी में उन्हें टैलेंट नजर आता है उसे अपनी टीम में शामिल करके प्रो कबड्डी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर खेलने का मौका देते हैं। K7 कबड्डी और युवा कबड्डी लीग में भी अच्छा परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी न्यू यंग प्लेयर्स में शामिल किए जाते हैं। हर टीम के पास ऑक्शन से पहले मौका होता है कि वो 6 ऐसे खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कर सके। बात करें इस साल की भी तो कई टीम्स ने युवा खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया है, जैसे यूपी योद्धा ने डिफेंडर हितेश को या बेंगलुरु बुल्स ने आदित्य को। हमने पहले भी कई सीजन में देखा है कि कैसे न्यू यंग प्लेयर्स ने आकर अपने अच्छे परफॉर्मेंस से सबको प्रभावित किया है और अपनी एक अलग पहचान बनाई है, चाहे वो बात करें नवीन कुमार की या फिर सचिन तंवर की। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं इस साल कौन सा युवा खिलाड़ी सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। इसी तरह की वीडियो के लिए कबड्डी अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।